अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाज़रीन डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाज़रीन आपको बता दें कि कल 24 जून को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया हुआ है और जिनको बंद रखा जाएगा, जिसमें ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार। इनमें सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है। उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही स्कूलों में ऑनलाइन तालीम शुरू है। तो उसी के साथ कॉलेज और ट्यूशन क्लासेस पर पाबंदी अभी भी वैसे ही कायम रहेगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही हफ्तेवारी बाज़ार बंद रहेंगे, जिसमें ज़िले के तमाम जो बाज़ार हफ्ते को भरते हैं, मंगल को और जुमेरात को, इन तमाम बाज़ारों पर बंदी अभी वैसे ही कायम रखी गई है। तो उसी के साथ ज़िले में धरने, आंदोलन, मोर्चे, उपोषण, इन तमाम पर भी पाबंदी वैसे ही कायम रखी गई है। उसी के साथ नाज़रीन पूरे परभनी ज़िले में जो मुफ्त शिव भोजन थाली पूरे परभनी ज़िले में दी जा रही थी, जो गुज़िश्ता महीनों में 11 सेंटरों पर मुफ्त शिव भोजन थाली दी जा रही थी, अब उसको मज़ीद बढ़ा दिया गया है। जो मुफ्त थालियां थी उसकी कैपेसिटी को भी 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। जो पहले 2250 थालियाँ पूरे ज़िले में मुफ्त दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 2700 कर दिया गया है। और जो सेंटर थे, जो पहले 11 सेंटर थे पूरे ज़िले में, अब उसको बढ़ाकर 14 सेंटर कर दिया गया है। मुफ्त शिव भोजन थालियां पूरे परभनी ज़िले में 14 सेंटरों पर आने वाले 14 जुलाई तक दी जाएगी, ऐसी मालूमात परभनी ज़िला पुरोठा अधिकारी मंजूषा मुथा मैडम ने दी है। आइए नाज़रीन डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, आज 23 जून को परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 14 में राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान और युवा नेता अली तहसीन अहमद खान, इनके हाथों से विकास कामों का उद्घाटन किया गया। और आपको बता दें कि खादराबाद प्लॉट प्रभाग 14 के दलित बस्ती सुधार कामों में आज कमलाबाई शिड़के के घर से होता हुआ जाधव, खिल्लारे और चौहान, इनके घर के सामने का गट्टू के रोड का काम का आज उद्घाटन किया गया। तो उसी के साथ खादराबाद प्लॉट की मस्जिद से लेकर हसन कॉर्नर तक की सीसी नाली का काम भी, उसका भी उद्घाटन आज किया गया। तो उसी के साथ हमीद भाई और उबेद भाई, इनके घर के छत के ऊपर से कब्रस्तान, जो खादराबाद का कब्रस्तान है, उस कब्रस्तान से होकर गुजरने वाला नाला और उसके कंपाउंड वॉल के काम का भी जायज़ा राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान ने लिया है। तो उन्हीं के साथ में युवा नेता अली तहसीन अहमद खान साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में प्रभाग के कॉरपोरेटर अखिल खाजी साहब मौजूद थे। उन्हीं के साथ में अतीक भाई और दूसरे तमाम ही परिसर के नागरिक मौजूद थे। आइए नाज़रीन डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, आज 23 जून को परभनी ज़िला माहिती अधिकारी कार्यालय में होने वाली जो परेशानियां हैं, उन तमाम परेशानियों को जल्द हल करने की मांग परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब से परभनी ज़िला पत्रकार संघ ने आज दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 23 जून को परभनी ज़िला पत्रकार संघ और तमाम ही सीनियर पत्रकारों ने मिलकर एक निवेदन के द्वारा ज़िला अधिकारी साहब से मांग की है कि परभनी ज़िला माहिती अधिकारी कार्यालय में जो पोस्ट खाली है माहिती अधिकार की, परभनी ज़िला माहिती अधिकारी की जो पोस्ट खाली है उसे फौरन भरा जाए। तो उसी के साथ पत्रकारों को जो परेशानियां आ रही है, क्योंकि माहिती अधिकारी मौजूद नहीं है, उनका पद खाली है, और इस वजह से जो परेशानियां पत्रकारों को हो रही है उसको देखते हुए जल्द से जल्द इस पद पर नियुक्ति की जाए। तो शासन को चाहिए कि माहिती अधिकारी कार्यालय में वर्ग 1 और वर्ग 2 के अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, जिसकी वजह से जो रोज़ाना प्रेस नोट तमाम ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को मिलती है वो मिलती रहेगी। अभी ये प्रेस नोट नहीं मिलने से काफ़ी परेशानियां मीडिया को और पत्रकारों को यहां पर होती हुई नज़र आ रही है। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए ज़िलाधिकारी साहब को एक निवेदन द्वारा मांग की गई कि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाए। तो वहीं पर ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने भी भरोसा जताया है कि जल्द से जल्द इन परेशानियों को हल किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि
परभनी जिला अधिकारी को जो निवेदन दिया गया उस वक्त परभनी के सीनियर पत्रकार सुरेश नायकवाड़े, सूरज कदम साहब, विठल राव वड़कुते, प्रभुदीप के लक्ष्मण मनोलीकर, शेख इफ्तिकार, नजीब सिद्दीकी, सैयद खिजर, मोइन खान, प्रवीण देशपांडे, महमूद खान, सुधाकर श्रीखंडे, राजू कर्डिले, हरिभाव सुतारे, राहुल धबाले, बाड़ू धीके, श्रीकांत देशमुख, मंचक खंदारे, दिलीप बनकर के साथ आदि पत्रकारों की मौजूदगी थी। आइए नाजरीन डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, आज 23 जून को परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने एक प्रेस नोट के माध्यम से बताया है कि कल 24 जून को परभनी महानगर पालिका के तमाम 14 वैक्सीनेशन सेंटरों पर कोवैक्सीन का पहला डोज नहीं दिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि कल 24 जून को परभनी महानगर पालिका के 14 वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीनेशन तो होगा, लेकिन कोवैक्सीन का सिर्फ दूसरा डोज दिया जाएगा और उसी के साथ कोविड शील्ड का पहला और दूसरा डोज भी उपलब्ध किया गया है। तो वहीं पर कल तमाम ही 14 सेंटरों पर वैक्सीनेशन ऑनलाइन वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा कर भी आप जा सकते हैं, या फिर ऑन द स्पॉट वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करवा कर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। शिक्षकों को बता दें कि परभनी महानगर पालिका की जानिब से पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में 8 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और उसी के साथ प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी वैक्सीन दिया जा रहा है, जिसमें कुल मिलाकर पूरे शहर में 14 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। और कहां पर कौन सा डोज उपलब्ध है उसकी मज़ीद मालूमात कुछ इस तरह से है कि जैकवाड़ी जो आरोग्य केंद्र है वहाँ पर कोवैक्सीन का डोज उपलब्ध है, तो उसी के साथ खानापुर आरोग्य केंद्र पर भी कोवैक्सीन का डोज उपलब्ध है, और इनायत नगर आरोग्य केंद्र, उसी के साथ खंडोबा बाज़ार आरोग्य केंद्र, साकलाबाद प्लाट आरोग्य केंद्र, शंकर नगर आरोग्य केंद्र, वर्मा नगर आरोग्य केंद्र, दरगाह रोड आरोग्य केंद्र और कौसर हॉस्पिटल, हयात हॉस्पिटल, समाज मंदिर हड़को, इंदिरा गांधी उर्दू स्कूल, शाही मस्जिद परिसर, इन तमाम आरोग्य केंद्रों पर कोविड शील्ड के डोज उपलब्ध है, यहाँ पर कोवैक्सीन के डोज उपलब्ध नहीं है। उसी के साथ बाल विद्या मंदिर में भी कोविड शील्ड उपलब्ध है और करीम हॉस्पिटल में भी कोविड शील्ड के डोज उपलब्ध है। कोवैक्सीन का पहला डोज अभी नहीं मिलेगा, सिर्फ दूसरा डोज दिया जाएगा। जिन्होंने पहला डोज पहले ले चुके हैं उनको ही कोवैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा और कोविड शील्ड का पहला और दूसरा डोज ले सकते हैं, ऐसी मालूमात परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने दी है। आइए नाजरीन डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 23 जून का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 50,676 लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया था और इनमें से जो पूरी तरह से ठीक हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दिया जा चुका है, ऐसे लोगों की तादाद 49,146 बताई जा रही है। तो वहीं पर 1,278 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है और 252 कोरोना की चपेट में पेशेंट अब भी है, वो आज भी कोरोना की चपेट में है और परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 23 जून के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी 23 कोरोना के मामले पूरे परभनी ज़िले में पाए गए हैं। तो 21 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो थे उनको आज डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है और एक की मौत कोरोना की वजह से आज 23 जून को हो चुकी है। और आज 23 जून के दिन 1191 लोगों के टेस्ट भी किए गए हैं, ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब और परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागर गोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट की माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगा ले, उसके बगैर आप अपने घरों से बाहर ना निकले। उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से सुरक्षित अंतर
सुरक्षित दूरी जरूर बनाए रखें, उसी के साथ माजा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, खानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट जरूर करवा ले, ऐसी अपील जिला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।